श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है और आज के दिन आप लोगों को माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय करना है और बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है और इस रात्रि में आप लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को अगर आप लोग करते हो तो दोस्तों आप लोगों को अपने जीवन में मालामाल होने से और अधिक धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज का ये जो उपाय है ये स्वयं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और माता लक्ष्मी को अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों आज का यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। हमेशा की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दोस्तों आज रात्रि में आप लोगों को एक इलायची का और एक दीपक का छोटा सा उपाय करना है। आप लोगों को इस कार्य के लिए एक सरसों का तेल वाला दीपक माता लक्ष्मी के पूजा स्थल पर जलाना है, यानी कि उनकी तस्वीर के सामने, और आप लोगों को एक इलायची लेनी है हरी वाली। दोस्तों आप लोगों को एक इलायची को अपने हाथ में लेकर और पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने बैठकर आप लोगों को इस इलायची को हाथ में लेकर एक यह शब्द बोलना है, ओम ह्रीम ह्रीम श्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का आप लोगों को जाप करना है एक बार या फिर 21 बार आप लोगों को इसका जाप करना है। 21 बार इसका जाप करने के बाद में आप लोगों को उस इलायची को अपने सिर से और पांव तक 21 बार उवारना है और फिर आप लोगों को उस दीपक पर 21 बार उवारना है। उसके बाद में उस इलायची को आप लोगों को अपने कमरे में किसी भी जगह पर जाकर, सुरक्षित जगह पर जाकर रख दीजिए, जहाँ पर शुद्ध वातावरण हो वहाँ पर आप इसे रख दीजिए। इसको करने से माता लक्ष्मी आपकी ओर अति प्रसन्न होगी और आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनी रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आज के उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।